बिस्मिल्लाह रहमान रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बनाएंगे गोभी कोफ्ते। और ये कीमा देखने मेरे पास फ्रीजर का था, तकरीबन एक पाव से थोड़ा ज्यादा है। इसमें से पानी आप हटा लें। और प्याजे मेरे पास पांच मीडियम है, इनको मैं गोल्डन ब्राउन करूंगी। और इसमें से थोड़ी हम ये देखें कोफ्ते के लिए मैंने निकाल ली है, तकरीबन दो प्याजे मैंने इसमें से कोफ्ते के लिए निकाल ली है। और ये खशखाश है, पॉपी सीड्स, ये एक टेबलस्पून, इसको धो के भूनना है। इसके धोने का तरीका, ये खशखाश मैंने बनाई है, अगर आप वीडियो देखें, ये बहुत अच्छी डिश भी है अलग, और इसमें पूरे रेसिपी समझाइए। दो टेबलस्पून लेवल बेसन डलेगा भर के, और ये सब चीजें डाल के हमने भूननी है बिल्कुल धीमी आंच पे। फ्रैंक पैन में आप चलाते रहें, थोड़ा सा जीरा डाल दें आधी टी स्पून, और गर्म मसाला, ये इन्ग्रीडियंट देख रहे हैं, मैं सब भून के पीसती हूँ। ये एक टीस्पून आप डाल दें पिसा हुआ। और ये तमाम चीजें हमने गोल्डन कलर की करनी है, और ये कोफ्तों में हम डालेंगे तो इसकी बहुत अच्छी ग्राइंड करके, तो ये बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसकी। प्रोसेस देख लें कोफ्ते का, बिल्कुल छोटे छोटे कोफ्ते डलते हैं इसमें, ज्यादा बड़े नहीं डलते। ये खशखाश और जितना रोस्टेड मसाला था, मैंने पहले तमाम चीजें बिल्कुल बारीक पीस ली। और उसके बाद ये हमने खीमे में मिक्स कर लिया है। और जो चीजें डलेंगी वो मैं आपको बता दूंगी। ये प्याज हमने दो मीडियम जो गोल्डन कलर की करी थी, ऑयल भी आ जाए कोई बात नहीं। कीमा आपको थोड़ा सा चिकना चाहिए होता है, अगर आप कीमा चिकना नहीं लेंगे तो हम उसमें आगे एक दो टेबलस्पून ऑयल के डाल देंगे। और ये अदरक डलेगी इसमें पीसने में, थोड़ी सी हम अदरक डालेंगे, थोड़ा लहसुन और हरी मिर्चें और पुदीना और थोड़ा थोड़ा हरा धनिया और थोड़ा सा नमक। ये सब चीजें डाल के हम चॉपर में इसको बारीक पीसेंगे। जितना बारीक ये होगा उतने आपके कोफ्ते स्मूथ बनेंगे और कोफ्ते टूटेंगे नहीं। कोफ्तों का स्मूथ होना जरूरी है। ये बिल्कुल बारीक मिक्सचर हमने बना लिया है। और ये मैं देखें, मेरे इतना चिकना नहीं था तो मैं इसमें दो टेबलस्पून के जितना ऑयल या मक्खन, आप जो आपके पास घी अवेलेबल है उसको अच्छी तरह से हमने थोड़ा गूंद लेना है। और इसके हम ऑयल का हाथ लगाएं या पानी का हाथ लगा के आप बिल्कुल छोटे छोटे से कोफ्ते बना लें, स्मूथ से कोफ्ते, जरा टाइट टाइट थोड़े बना लीजिएगा। जितने भी आपके बन जाए इसमें, ये तीन एक पाव से थोड़ा ज्यादा है कीमा। और ये मेरे पास फूल गोभी थी, तीन पाव के मैंने दो फूल लिए थे, तो तकरीबन ये डेढ़ किलो गए। इसको पानी में भिगो के रखिएगा, क्योंकि इसके इसमें होते हैं बारीक बारीक कीड़े। और इसका ये काटने का प्रोसेस आप देख लें, ये सख्त जो चीजें होती हैं, ये सख्त सख्त टंडियां, ये हम नहीं डालेंगे इसमें। और जो बिल्कुल इसके लाइट लाइट से फूल होते हैं वो इसमें जाएंगे। और ये एंड के जो हैं, ये हार्ड हार्ड चीजें हम काट देंगे। इसके फूल इस तरह से आप साबुत अलग करें, ज्यादा बारीक कतरे नहीं, वो बिल्कुल जो घुली हुई गोभी होती है वो बहुत बुरी लग रही होती है, सालनों में टेस्ट भी नहीं अच्छा आ रहा होता। बिल्कुल फ्रेश आप लाएंगे तो इसके आप देखें, ये ब्राउन ब्राउन सी थोड़ी सी गोभी हो गई है, तो आपकी फ्रेश होगी तो इस पे वो नहीं होगा। मेरे एक आध दिन फ्रिज में रखने से ये ब्राउन हो गए, तो मैं अभी ये देखें काट रही हूँ। ये अलग कर लें आप, क्योंकि वैसे तो कोई खराब चीज है नहीं, लेकिन फिर भी एक बुरा सा लग रहा है ये। और इसको काट के आपने पानी में भिगो के अच्छी तरह से धो लेना है। ये जो इसका डंठल होता है उसको भी इस तरीके से काट लें आप। ये जो तमाम इसके कॉर्नर्स के सख्त सख्त पीसेस हैं, ये गलेंगे नहीं, ये हमने सब फेंकने हैं। और ये सेंटर का जो इसमें पार्ट होगा वो हम डालेंगे, छोटा छोटा बारीक चॉप करके डाल देंगे। ये बहुत टेस्टी बनता है कोफ्ते का सालन, सर्दियों में चावलों के साथ आप इसको खाएं। ये जो बिल्कुल फ्रेश फ्रेश लीव्स हैं, लाइट लाइट इसकी डंडियां हैं, उनको आप काट लें छोटा छोटा। और जिस इस वक्त हम कोफ्ते डालेंगे उस वक्त हम पहले ये डाल देंगे।
ये देखें मैंने पानी में अच्छी तरीके से धो लिया है इसको। इसमें बहुत बारीक बारीक से कीड़े होते हैं जो हमें नजर भी नहीं आते बाज़ोख़त, ये बहुत ज़रूरी है। वैसे भी धोया था और पानी में भिगो के भी रखा था। अच्छा, बाकी ये हमारी ये तीन प्याजें रह गई थी और थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन करके अब हम मसाले की प्रिपरेशन देख लेते हैं। इसमें लहसुन अदरक डालेंगे हम तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब। मैंने लहसुन अदरक पिसा हुआ डाल दिया था और मसाले की हमने बहुत अच्छी तरीके से भुनाई कर दी। लाल मिर्चें डाल दें आप 2 टेबलस्पून, जरा चटपटा बनाएं तो ये अच्छा लगता है मजे का। और हल्दी ये भी 1 टीस्पून डलेगी और 2 टेबलस्पून आप धनिया डाल दें। डाल के थोड़ा सा पानी डाल के हम मसाला जिस तरह नॉर्मल हम लोग भूनते हैं कि वो मसाले को जिस वक्त भुनाई के वक्त आपको पता चल जाता है कि जब तेल ऊपर आ जाता है तो मसाला भुन जाता है, इसी तरह हमने इसको भूनना है। प्याज वगैरह जरा जो है ये गल जाए वरना साबुत साबुत पीसेस आते हैं। थोड़ा सा आप ढक्कन हम ढक के 5-10 मिनट के करीब इसको भून लेंगे। इसको बिल्कुल धीमी आँच पे, शुरू में तेज आँच रखिएगा और फिर आहिस्ता करके आप इसको भून के और फिर हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। टोमेटो का पेस्ट डाल दें, मेरे पास 1/2 किलो टमाटर थे मैंने पीस के डाल दिए। इस तरह से पेस्ट डालने से सालन में चंक्स नहीं आते टमाटर के। इसको 10 मिनट और हम भूनेंगे धीमी आंच पे रख के, दम देंगे और ये तमाम तरह के मिक्सचर, ये देखिए ये अच्छी तरीके से एक हमारे पास मिक्सचर सालन का रेडी हो गया है। और दूसरी तरफ आप गर्म पानी, थोड़ा सा मीठा पानी साफ सुथरा जो हम छान के मैं रखती हूँ खानों में डालने के लिए, कभी भी नल का पानी नहीं डाला करें। और कोफ्ते तमाम डाल के और साइड से आप कॉर्नर से इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल दें। ये टमाटर का मेरे पास पानी रखा हुआ था थोड़ा सा, जो जग में टमाटर पीसे थे उसको मैंने पानी डाल दिया उसमें। और तकरीबन 1 कप पानी डाल के इसको हम दम देंगे। बहुत छोटे छोटे कोफ्ते होते हैं और बहुत बारीक कीमा है तो तकरीबन ये 10 से 15 मिनट में गल जाएगा, आपको भी अंदाजा होगा अपने चूल्हे का। जब ये इतना हो जाए 10 मिनट के बाद, ये मैंने जो इसकी डंडियां थी मैंने दिखाई थी आपको बारीक बारीक मैंने काट ली थी, और थोड़ा सा पानी और डाल के और ये हम ऊपर से फूल गोभी इसकी सेट कर लेंगे। और गोभी रखने के बाद थोड़ी सी तेज आंच रखिएगा ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। आपने जितना ग्रेवी रखनी है, सालन रखना है आपने, उसके लिए शोरबा आप डाल लें। मुझे ये ज़्यादा सालन वाली पसंद नहीं है तो ये हल्का फुल्का इसमें आप डालिए। और ये 15 से 20 मिनट में पहले आप धीमी आंच पे रखिएगा, फिर 15 से 20 मिनट में 25 मिनट में धीमी आँच पर रख दीजिएगा और ये आपकी तैयार हो जाएगी। बहुत टेस्टी बनती है, ज़रूर बनाएं। गरम मसाला आप घर में जिस तरह मैंने बताया उसको आप रेडी करके रख लें। तमाम मसाले तवे पे भून के और पीस के मैंने एक बर्नी में अलग रखे हैं। बिल्कुल आहिस्ता हाथ से चलाएं ताकि ये फूल टूटे नहीं, टूटने से बहुत बुरे लगते हैं और ये साबुत साबुत बहुत अच्छे लगते हैं। आप ये मेहमानों के सामने भी रख सकते हैं। और ये बहुत अच्छी डिश है। कोफ्ते का सालन तो हमारे घर में अमूमन बनता है लेकिन ये लोगों के घर कम बनता है। बस ये इतना सालन मैंने रखा था, ये देखिए ये इस वक्त गोभी गल चुकी है। मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है, नमक क्योंकि मैंने नहीं डाला था कोफ्तों में, खाली डाला था। और ये थोड़ा सा नमक अब मैं डाल रही हूँ 5 मिनट पहले और ये 5 मिनट और इसको दम दे देंगे हम। और ये हमारे कोफ्ते रेडी हैं। उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला छिड़क दें ऊपर सर्विंग के टाइम और हरा धनिया डाल के, और आप इसको मज़े से खाएं। सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है गोभी, अभी हमारे पास बहुत अच्छी आएगी फूल। और ये देखिए रेडी है ये। और व्यूअर्स थैंक यू वीडियो देखने का, हमारी वीडियोज देखा करें, फीडबैक दिया करें, सजेशन दिया करें कमेंट बॉक्स में। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।